इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर यहाँ पर आपको अगर आप फाइल मैनेजर से रिंगटोन लगाते हैं बट वहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है सेटिंग सिस्टम साउंड फिल्ट, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में से ही रिंगटोन लगा कर देख लेनी है कि अगर आप सिस्टम साउंड सेटिंग्स लगा रहे हैं, सिस्टम में सेट कर रहे हैं, तो अलर्ट की हो, अलार्म की हो या किसी की भी हो, आप अपने फ़ोन से एक दफ़ा वो लगा कर देख लीजिए। अगर वो लग जाती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको जो है मीडिया सेटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी और यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएगी, फ़ोन रिंगटोन यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद फर्स्ट सिम सेकंड सिम दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको जो है प्लस के से आइकन पर जाना है और यहाँ पर आपका फाइल मैनेजर खुल जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा फाइल मैनेजर, नीचे जाएंगे तो फाइल मैनेजर आपको मिल जाएगा जो है यहाँ से आप डिसाइड सेट कर सकते हैं। अगर सेट हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सेट होती है तो फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको जो फाइल आप लगा रहे हैं उसको डिलीट कर देनी है और डिलीट करने के बाद दूसरी फाइल को डाउनलोड करके उसे लगा लेनी है। अब वो जो फाइल आप लगा रहे हैं, जो फॉर्मेट लगा रहे हैं, वो इनकरप्टेड हो चुका है। अब इनकरप्टेड जो होता है वो सिस्टम साउंड में सेट नहीं होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर वो फाइल मैनेजर से नहीं लग पाती है तो अपने साउंड में जाकर फाइल मैनेजर से लगा कर देखिएगा, तब भी नहीं लगती है तो वो जो है फाइल इनकरप्टेड है। आप दूसरी लगा कर देखेंगे तो वो 100% लग जाएगी। तो इसका सिर्फ इतना सा ही सलूशन है, आपको फाइल मैनेजर से हट के अपने सेटिंग्स में से जाकर लगा लीजिए। अगर नहीं लगती है तो इसका मतलब वो जो फाइल है वो MP3 जो है वो फॉर्मेट ही सही नहीं है, तो आपको इस चीज़ से पता लगा लेना है। बाकी अगर बड़ी होती है तो बड़ी आप प्ले स्टोर में MP3 कटर के नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, उसको छोटा करके आप लगा सकते हैं ईजी। यहाँ पर देख सकते हैं MP3 कटर के नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, ये रही MP3 कटर, इससे आप डालकर उसे ईजीली लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।